ये कह रहा था, आजकल किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देखिए, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देखिए तो वो न्यूज चैनल कम एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा लगता है। सारे नेता एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई कहीं धरना दे रहा है, कोई कहीं भाषण दे रहा है, कोई कहीं वादे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट चैनल लगता है। और अरविंद केजरीवाल की जहां तक हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब उनकी पार्टी थोड़ी इतनी ग्रो कर रही है, सब जगह उनके ब्रांचेस खुल रही है, सब जगह उनकी पार्टी इतना ज्यादा कर रही है, लेकिन जब ये नए नए मुख्यमंत्री बने थे कंट्रोवर्सीज बहुत हुई थी इनके साथ, हर बात पे कंट्रोवर्सी हो गई थी। इन्होंने घर लिया, पहले कह रहे थे कि घर नहीं लेंगे, इन्होंने सरकारी घर ले लिया। पहले कह रहे थे कि भाई हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उसके बाद उन्होंने सरकारी सिक्योरिटी भी ले ली। उसके बाद वो कह रहे थे कि हम लोग जो है सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, फिर उन्होंने सरकारी गाड़ी भी ले ली। मतलब जो उन्होंने कमिटमेंट किया अपने ही खुद की कमिटमेंट में फेल हो रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया एक बारी बात करने के लिए कि केजरीवाल जी एक बात बताइए, पहले आप कह रहे थे कि भाई सरकारी गाड़ियां नहीं लेंगे, सरकारी घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उसके बाद आपने ये तीनों चीजें ली, घर भी लिया, गाड़ी भी ली, सिक्योरिटी भी ली, तो इसका क्या राज क्या है इसके पीछे? कहते देखिए जी बात ऐसी है कि हमारी पार्टी की भी स्ट्रेटजीज जो है वो थोड़ी बदल गई है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, हमारी स्ट्रेटजीज बदल गई है। मैंने कहा सर जो बदल गई है उसे स्ट्रेटजी नहीं कहते, उसे नियत कहते हैं।